हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 ऐसे प्लेयर्स टीम इंडिया जिन्होंने हमें वर्ल्ड कप हराया, जिन पे सीधे सीधे ब्लेम लगाने वाला हूँ। और एक बात मैं हमेशा बता दूँ गाइज, अगर आपको वर्ल्ड कप जैसा बड़ा टूर्नामेंट जीतना है, कोई सा भी टूर्नामेंट जीतना है, एटलीस्ट आपके 11 में से जो प्लेइंग 11 की 11 है ना, वो पूरे टूर्नामेंट में चलनी चाहिए। उनमें से 6, 7, 8 इतने प्लेयर एटलीस्ट चलने चाहिए, कॉन्ट्रीब्यूशन करनी चाहिए वर्ल्ड कप, वरना आप नहीं जी सकते हो। कोई सेंस नहीं है अगर आप एक दो प्लेयर के भरोसे पूरा वर्ल्ड कप खेलोगे। और आपको तो पता ही है पिछले कितने टूर्नामेंट से टीम इंडिया केवल 1, 2, 3 प्लेयर, मुश्किल से मैक्सिमम 3 प्लेयर के भरोसे चल रही है, वो भी तीसरा इस वर्ल्ड कप में मिला, वरना एक दो प्लेयर के भरोसे पूरे वर्ल्ड कप में जाती है और फिर आर के हार जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड कप जो 2022 जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ, उसके 5 ऐसे प्लेयर्स इंडिया के जिनको मैं ब्लेम करूंगा सीधे सीधे कि उनके वजह से टीम इंडिया वर्ल्ड कप हारी है। और इस बार टीम इंडिया के फैंस को ब्रूटल होना पड़ेगा, बिकॉज वो अपना सब कुछ दे रहे हैं, स्टिल रिवॉर्ड बैक नहीं हो रहा है उनको, तो बोलना ही पड़ेगा इस बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो और स्टार्ट करेंगे हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन जो कि दोनों ओपनर हैं। तो पहला स्टेट उनका यह है कि ग्रुप स्टेज का जो सुपर 12 हुआ था उसमें इंडिया का वर्स्ट रन रेट था पूरा टूर्नामेंट का एवरेज निकालने के बाद, उसमें था इंडिया का 4.98 जो कि वर्स्ट था, सबसे एंड में था, 12वें नंबर पे था, कह सकते हैं नीदरलैंड, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, इन टीम से भी बदतर हमारा रन रेट था पूरे टूर्नामेंट की बात करें, पावर प्ले की बात करें। और उसके बाद हम बात करेंगे कुल मिला के कैप्टन वाइस कैप्टन ने 115 से भी कम रन बनाए। और खास बात है कि हमारी स्टेज में भैया जिम्बाब्वे में नीदरलैंड जैसी टीमें थी, वहाँ पर भी हमारा कैप्टन वाइस कैप्टन ने 115 से कम रन बनाए। और कुल मिला के कह सकते हैं कि उन दोनों ने जब ओपनिंग करने आए थे तो उन्होंने 88 रन बनाए हैं 108 या 110 बॉलों में, तो ये इमेजिन कर सकते हो कि कितना बुरी हालत थी। और कैप्टन वाइस कैप्टन हमारे हमेशा बायलेटरल सीरीज में चलते हैं, बड़ा टूर्नामेंट में मैंने नहीं देखा। 2019 में रोहित शर्मा ने काफ़ी रन बनाए थे, पूरे वर्ल्ड कप में उन्होंने जी जान लगाई थी, बट उसके पहले या उसके बाद भी उन्होंने कुछ खास नहीं किया किसी भी ICC टूर्नामेंट्स में, उन्होंने कोई स्पेशल नॉक नहीं खेली अभी तक कि जहाँ पर कह सकते कि वो याद रहे, ठीक है, क्योंकि 2000 अभी वो बात नहीं करेंगे, बाद में बात करेंगे। अगर रोहित शर्मा के कुछ फैंस को हो तो इंक्वायरी कर सकते हैं हम, आप जरूर टैग करेगा, कमेंट में मेंशन कर देना हमारे चैनल का नेम, उसके बाद हम जरूर बात करेंगे आगे। दूसरा प्लेयर है अक्षर पटेल। मैं ना हमेशा रोहित शर्मा की कैप्टनसी से इंप्रेस था, मेरे को लगता था कि लास्ट ईयर जब चुना गया था ना कि विराट कोहली के ऊपर कि भाई रोहित शर्मा को कैप्टन बनाया, तो आई वॉज हैप्पी कि यार रोहित शर्मा की कैप्टनसी, बट इस टूर्नामेंट में और इससे पहले बायलेटरल सीरीज हुई थी वहाँ पर भी बहुत अजीब गरीब डिसीजन लिए गए थे रोहित शर्मा के द्वारा, जो कि आई वॉज नॉट इन अ फेवर क्योंकि वहाँ अजीब से डिसीजन थे और वो मैच हार गई थी इंडिया। तो मेरे अकॉर्डिंग टीम मैनेजमेंट जो उनका कैप्टन है, कोच है, जो सेलेक्टर है, जो प्लेइंग 11 सेलेक्ट करते हैं, उनसे बहुत खुश हूँ क्योंकि जो थर्ड प्लेयर है मेरे ब्लेम लिस्ट में वो उसका ही नतीजा वो है अक्षर पटेल। और मेरे को अक्षर पटेल का रोल बिल्कुल समझ नहीं आया क्योंकि अक्षर पटेल को आपने लिया क्यों है टीम में, आप उनको खिला रहे हो जडेजा की जगह, जडेजा मतलब दो तीन ओवर तो एटलीस्ट करते थे वहाँ पाकिस्तान के अगेंस्ट, जब पहला ओवर उनका पिटा उनको रोक दिया गया, वो ठीक डिसीजन था, उसके बाद उस मैच में बैटिंग नहीं आई थी। उसके अलावा पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने 4 से 5 विकेट मैक्सिमम लिए, जिसमें भी नीदरलैंड के अगेंस्ट उन्होंने 3 लिए थे तो बाकी काउंटलेस जाएंगे। उसके अलावा आपने उनसे इतनी बॉलिंग नहीं कराई, उतनी बैटिंग उनको वैसी आती नहीं है कि मतलब इतने बड़े ग्राउंड में वो हिट कर दे, ठीक है आप उस फैक्टर से चल रहे थे जब तक, बिकॉज आपके पास एक लेफ्टी नहीं था जब तक डीके खेल रहे थे, बट वहाँ पर मैनेजमेंट की एक और ली, पूरे ग्रुप स्टेज में उन्होंने डीके को बैक करा, लास्ट मैच में हटा दिया, सेमीफाइनल में निकला है। जब आप 37 साल के एक लौंडे को लेके आते हो वापस से, तो पूरा टूर्नामेंट एटलीस्ट उनको चांसेस देने चाहिए, बिकॉज बाकी प्लेयर्स भी नहीं चल रहे थे वहाँ, हमारे केएल राहुल भी नहीं चल रहे थे, हमारे रोहित शर्मा भी नहीं चल रहे थे वहाँ, अक्षर पटेल को भी चांसेस नहीं मिल रही, वहाँ रविचंद्र अश्विन भी नहीं चल रहे, तो आप उन सबको भी हटा सकते क्योंकि हर टीम ने एक लेग स्पिनर तो एटलीस्ट खिलाया था, टीमों ने तो दो दो खिलाए थे तब जाके उनको इतनी सफलता मिली, उनके मिडल ओवर में विकेट आए थे, हमारे पावर प्ले में विकेट नहीं आए, उसके बाद तो विकेट ही नहीं आ रहे थे हमारे, बहुत मुश्किल से आ रहे थे। तो ये टीम मैनेजमेंट की गलती थी, कैप्टन की थी, बट ये गलती थी। और अक्षर मतलब कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि अक्षर पटेल तीसरी गलती थी टीम इंडिया की, क्योंकि ना उन्होंने रन बनाए, ना बॉलिंग करी है, ना उन्होंने फील्डिंग में तो कुछ खास किया, ठीक है, वो लेफ्ट हैंड फैक्टर से खेल रहे थे। चौथा फैक्टर रविचंद्र अश्विन को आपने पूरे टूर्नामेंट में बैक किया, रविचंद्र अश्विन ने कुल मिला के 3 विकेट लिए थे जिम्बाब्वे के मैच से पहले, लास्ट मैच में कोई विकेट किसी ने नहीं लिया था, तो शायद उस मैच में 1-2 ले लिया हो, तो मतलब 4 विकेट लिए हैं 6 में से, और बहुत बुरी पुटाई हुई है पूरे अश्विन के टूर्नामेंट में। उन्होंने ऑफ स्पिन ही नहीं करे, जो कि वो ऑफ स्पिनर हैं, वो कैरम बॉल डाल के बचना चाह रहे थे पूरे टूर्नामेंट में, जो कि सेंस नहीं था बिकॉज आप मिडल ओवर में विकेट लेना चाहते हो, और वही चीज़ आती है अश्विन के साथ या फिर कह सकते हैं चहल के साथ कि चहल विकेट लेने को देखते हैं।
अब वो कह सकते हैं कि हो सकता था कि अश्विन को आप इसलिए खिला रहे हो कि आप बैटिंग फैक्टर है। मैंने अपनी वीडियो बनाई थी जब टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था कि अश्विन को टीम में इसलिए मेनली खिलाएंगे कि बैटिंग फैक्टर। बट अगर आप 8वें पे भी अश्विन को बैटिंग फैक्टर की वजह से खिला रहे हो, तो मतलब आपको बैटिंग में आपके डाउट ही क्या है? तो मतलब आपके बैट्समैन की गलती, बॉलर की गलती नहीं कि आप फिर अश्विन को खिला रहे हो, क्योंकि अश्विन टेस्ट बैट्सर है, T20 बैटर नहीं है। वो ज़्यादा ज़्यादा 3-4 बॉलों में 10 रन बना देंगे, बट ऊपर के बैट्समैन को कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो मेरे हिसाब से चहल को ना खिलाना अश्विन के ऊपर। तो ये चौथे प्लेयर है जो कि अश्विन है। और पांचवे है जो मेरे को लगता है अनरेटेड चौकर है, उसको गिनते नहीं कभी, भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार हर बायलेटरल सीरीज़ में, हर इंडियन पिचेस पे, हर पेटीएम सीरीज़, अब सॉरी मास्टर कार्ड हो गया, हर बायलेटरल सीरीज़ में, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में, सॉरी बड़े बड़े जहाँ जाके विकेट लेंगे, शायद ग्रुप स्टेज में भी विकेट लेते हैं, बट नॉकआउट्स में उनका भी बहुत बुरी हालत है। उनको जब जब नॉकआउट्स में खिलाया है, मेरे हिसाब से 2019 में खिलाया था उनको, लास्ट ईयर खिलाया था, और उससे पहले 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी खेले थे मेरे अकॉर्डिंग, और 2016 में भी, नहीं 16 में खेल सकते थे, पता है मेरे को तो ध्यान नहीं है, पर 17-19 लास्ट ईयर। और ये इससे पता चल गया कि भुवनेश्वर कुमार एक और खुद एक चोकर है, जो कि मतलब केवल ग्रुप स्टेज या बायलेटरल सीरीज में रन मार सकते हैं, सॉरी विकेट ले सकते हैं, और नॉकआउट में नहीं। तो कुल मिला के 5 ऐसे प्लेयर्स थे जिनकी वजह से मेरे को लगता है कि पूरा टूर्नामेंट टीम इंडिया हारा है, और इन पे काम होना चाहिए ऑब्वियसली, बिकॉज अगर आप बड़े टूर्नामेंट में नहीं कर पा रहे हो वो चीज़ें, जैसे केएल राहुल है, केएल राहुल कितना फाड़ खेलते हैं हर जगह, हर आईपीएल हो गया, बायलेटरल सीरीज होगी, कहाँ पर खेलते हैं, बट स्टिल अगर आप टीम इंडिया के लिए, देश के लिए परफॉर्म नहीं कर सकते हो बड़े मंचेस पे, तो फिर कोई सेंस नहीं है। तो मतलब आप उनको बायलेटरल खिलाओ और फिर ग्रुप स्टेज या फिर जब आईसीसी टूर्नामेंट हो तो किसी और प्लेयर को खिला दो, क्योंकि ऐसे काम नहीं चलेगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दी वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी